हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रोटी मैटी के साथ, जो कि ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रहा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे बहुत ही अनोइंग लगती हैं, जो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर लूँ, जो कि मुझे भी पता नहीं थी रोटी मैटी लेने से पहले। जब मैंने ऐड देखा था रोटी मैटी का, मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगी थी ये मशीन। और क्योंकि ऐड में आपको हर चीज़ नहीं दिखाते, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ इस वीडियो में कि इस रोटी मैटिक में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको शायद अच्छी ना लगे। नंबर वन, हद से भी ज़्यादा शोर करती है। इतना शोर कि अगर कोई सो रहा हो तो वो जाग जाए, और अगर आपके छोटे घर में बच्चे हैं तो वो भी डर जाए। नंबर दो, इस मशीन में बहुत ही लिमिटेड आटे की वैरायटीज़ यूज़ होते हैं, जैसे कि आशीर्वाद हो गया, सुजाता हो गया, जो कि यहाँ मॉन्ट्रियल में किसी भी इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे अवेलेबल नहीं होते। तो जब भी मैं टोरंटो जाती हूँ तो वहीं से ही स्टॉकअप करके लेके आती हूँ। नंबर तीन, ऐड में ऐसे दिखाया जाता है कि एक मिनट लगता है रोटी बनाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही आप मशीन को टर्न ऑन करते हो तो आपको 6 मिनट वेट करना पड़ता है, जब तक कि रोटी का जो पैन है वो गर्म ना हो जाए, और उसके बाद एक रोटी बनाने के लिए पूरे 2 मिनट लगते हैं मशीन को। तो अगर आप पूरा टाइम कंबाइन करेंगे तो उसे लगते हैं पूरे के पूरे 8 मिनट कम से कम फर्स्ट रोटी बनाने के लिए। नंबर चार, वैसे तो मैनुअल में ये शो किया गया है कि अगर आप आटे का और पानी का टैंक जो है रोटी मैटिक का वो फुल कर देते हो तो आपकी कम से कम 20 रोटीज़ आराम से बन जाती है, लेकिन जैसे ही 7 से 8 रोटी बन जाती है तो आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है कि आप आटे को और पानी को रिफ़िल कर दें। नंबर पाँच, आपको मशीन के बराबर में ही खड़ा होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे एक रोटी प्रिंट होती है, आपको निकाल के कवर करके रख देनी है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी रोटीज़ का लुक कुछ इस तरह से आएगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा रोटीज़ अगर जमा हो जाती हैं तो वो एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं और रोटीज़ अनकुक रह जाती हैं। नंबर छः, हाथ की बनाई हुई रोटी में और रोटी मैटिक की रोटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं हमेशा से ही आशीर्वाद आटा यूज़ करती हूँ जब मैं हाथ से भी रोटी बनाती थी, तो हाथ से बनाई हुई रोटी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और रोटी भी बहुत नरम होती है एज़ कम्पेयर टू रोटी मैटिक की रोटी से। नंबर सात, रोटी मैटिक की रोटी बहुत ही जल्दी विद इन अ मिनट सूख जाती है, तो जैसे ही वो बन के बाहर निकलती है तो आप उसे जल्दी से जल्दी कवर कर लें और ज़िपर पैक में बंद करके रख लें। तो ये थी कुछ चीज़ें रोटी मैटिक की जो कि मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगती हैं, और मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर लूँ। ऑफ़ कोर्स एट द सेम टाइम रोटी मैटिक के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जैसे कि ऐड में दिखाए गए हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। यू टेक केयर एंड आई विल सी यू अगेन।